अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हज़ारा डॉट कॉम डॉट पी के साथ मैं हूँ हादी। पाकिस्तान के सियासी, समाजी और मुआशी सूरतेहाल की बदलती हुई सूरत को देखते हुए अगर हम दूसरी चीज़ों पर नज़र डालें तो उनमें हमें काफ़ी ख़राबियाँ मिलेंगी। जी व्यूअर्स, मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कि ये दिन ब दिन जवाली का शिकार क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है। व्यूअर्स, कुछ लोगों की ओपिनियंस लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय कायम करते हैं अपनी। तो पाकिस्तानी फिल्में तो आई हैं, लेकिन ये जो बाहर से फिल्में जो हमने इम्पोर्ट की हैं वो भी नहीं चल रही हैं। सन में ऐसी पोजीशन में जा रहे हैं, अभी दो तीन चार सन में बने हैं कराची लाहौर में, वो थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो उस पोजीशन में हमारे सन में नहीं है। हमारे सन में जो है वो ए क्लास सन में तो नहीं है, ये तो बी क्लास जी क्लास में आते हैं। सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जवाली का शिकार क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? असल में मेन चीज़ मैंने कि ये बेसिकली तो इनका कोई एकेडमी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। फिर सरमायाकार जो हैं वो आर्जी तौर पर आए, एक आध फिल्म बनाई, सिंध बलदा फिल्म मांगता है, अभी इसी तरीके से पंजाब में पंजाबी है, फ्रंटियर में पश्तो मांगते हैं,